3, 2, 1। आज हम व्रत स्पेशल साबूदाना और आलू के बहुत ही टेस्टी पराठे बनाकर तैयार करेंगे। और इन पराठों को बनाने के लिए आपको साबूदाना भिगोने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। साथ में खट्टी तीखी आलू की सब्जी बनाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीमा मीना की रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें एक कटोरी साबूदाना डालेंगे। साबूदाना को लगातार चलाते हुए 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। और ये देखिए, 5 मिनट मैंने साबूदाना को भून लिया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। साबूदाना अच्छे से ठंडा हो गया है। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें साबूदाना को डालकर इसका महीन आटा तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, साबूदाना का फाइन पाउडर बना लिया है। अब इसे छान लेंगे ताकि साबूदाना के यदि कोई बड़े चंक्स रह गए तो छलनी में रह जाएंगे। ये देखिए, मैंने आटा छानकर तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को मेस करके लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ हमने 1 चम्मच जीरा लिया है। अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक लिया है व्रत वाला। साथ ही 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। साथ ही 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। 1/2 इंच अदरक के टुकड़ों को कद्दूकस करके लिया है। और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आलू के साथ सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। हमने साबूदाना का आटा लगाया है। साबूदाना पानी को जल्दी सोख लेता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। और ये देखिए, आटा मैंने लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे 1/2 घंटा के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक आलू की तीखी चटपटी सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। अब हम कढ़ाई पर पैन रखेंगे, उसमें 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म होते ही उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। 10 सेकंड जीरे को भून लेते हैं। अब हम इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। साथ ही 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। यह सब्जी तीखी और खट्टी बनती है, बहुत ही बढ़िया लगती है। इसे भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को बारीक टुकड़ों में काट लिया है, इसको डाल देंगे। अब आलू को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 मिनट भून लेंगे। आलू को मैंने 2 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। साथ ही 1/2 चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे, यानी कि व्रत वाला नमक। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मिक्स करने के बाद 5 मिनट पका लेंगे। और ये देखिए, सब्जी को मैंने मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट पका लिया है। अब इसमें 1 नींबू का रस डाल देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे ढककर साइड में रख देंगे। अब हम पराठा बना लेते हैं। अब इसकी लोई बना लेते हैं। इसकी लोई थोड़ी बड़ी बनाना, क्योंकि पराठा थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैंने लोई बनाकर तैयार कर ली है और सिंगाड़े के आटे में अच्छे से कोट कर लिया है। आप कोई भी व्रत वाला आटा ले सकते हो। पहले हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, फिर हम इसे बेलन से बेल लेते हैं। बेलने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आपका आटा सॉफ्ट होना चाहिए, टाइट आटा नहीं लगाना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा पराठा हमने बेल लिया है।
साइड से थोड़ा ये कटा हुआ है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही तवे पर सेक सकते हो, या इसे थोड़ा अच्छा शेप देना चाहे तो इसे कटर से काट लेते हैं। ये हमारा एक पराठा बन करके तैयार हो गया है, यानी कि बेल कर तैयार है। अब हम इन पराठों को तवे पर सेक लेते हैं। यहाँ हमने पहले ही तवा गरम कर लिया है, इस पर हम पराठा डाल देंगे। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम मीडियम कर रखी है और बस जैसे हम बाकी पराठे बनाते हैं वैसे ही पराठों को हल्का सा गोल्डन होने तक सेक लेंगे। पराठों के दोनों साइड घी या तेल लगाते हुए इसे अच्छे से सेक लीजिए। जो भी आप व्रत में खाते हो, और आप सेम आटे से छोटे छोटे पूरियाँ बनाकर उन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हो, वह पूरियाँ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये लीजिए, हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। इससे मैंने आलू की सब्जी और दही के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो हरे धनिया की चटनी भी साथ में सर्व कर सकते हो, और ये पराठा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।